तो दोस्तों नए साल में एक मिड साइज एसयूवी लेने का प्लान कर रहे थे और आपने ग्रैंड विटारा को एक चॉइस रखा है, तो गाइस आज की वीडियो आप ही के लिए। जैसा कि थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा, शुड यू बाय ग्रैंड विटारा इन 2024 और नॉट। इस सेगमेंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे जितने सारे राइवल्स आते हैं ना इंडियन मार्केट में, लाइक इसकी तगड़ी राइवल हो जाती है क्रेटा साथी में देखा जाए इंडियन मार्केट में, तो सेल्टॉस, कुशक, टाइगून, इतने सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। और अगर इसके अपर वेरिएंट्स देखोगे या टॉप वेरिएंट देखोगे तो यार उस प्राइस पॉइंट पे तो आपको एक्सयूवी 700 स्कॉर्पियन या फिर हैरियर जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो चुका है। आज की ड्राइव वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कार का ओवरव्यू दूंगा, जल्दी से आपको लुक्स चेकआउट कराऊंगा, देन चलते हैं इसकी ड्राइव पर। सो आपको जो बाकी मारुति सुजुकी कार्स है ना यार, उससे इसका साउंड आइडेंटिकल लगने वाला है। और सबसे पहले तो यार कार को लॉन्च करते हैं। रेविंग टिल 5000 आरपीएम, लेट्स गो। देखो जहाँ पावर की बात करें ना, 1.5 लीटर का इसमें स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि 101 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 136 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। अगर आप फर्स्ट टाइम इस कार को चला रहे हो और हायर आरपीएम पे नहीं चलाओगे तो फॉर श्योर आपको ये गाड़ी में ऐसा लगेगा कि यार कुछ खास पावर है नहीं, बट जब आप इसे हायर आरपीएम्स पे ले जाते हो काफी अच्छी पावर डिलीवर करने वाली है। सबसे पहले प्राइस पॉइंट की बात करें ना, तो ग्रैंड विटारा स्टार्ट होती है 10 से 10.5 लाख रुपए में, इसका बेस मॉडल आता है, और टॉप मॉडल अराउंड 20 से 20.5 लाख रुपए एक्स शोरूम जाता है। और इसके जो सारे राइवल्स है ना जो इस सेगमेंट में आते हैं, सेल्टॉस, क्रेटा, ये सब भी इसी प्राइस पॉइंट पे रहने वाली है। बट जहां बात आती है ना मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स कौन से, तो मैं पहले से वीडियोस में बताते आया हूं, सिग्मा और डेल्टा इसके मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स मुझे लगते हैं, बिकॉज यार अपर वेरिएंट्स इसके लेना कोई वर्थ नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। बट सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको इसके इंजन स्पेक्स शेयर करे, जहां क्रेटा और सेल्टॉस की बात आती है ना, दोनों में भी सेम 1.5 लीटर के इंजन मिलते हैं बट 113 bhp की पावर एंड 144 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क वो इंजन प्रोड्यूस करने वाले हैं। जहाँ स्कोडा, कुशैक एज वेल एज टाइगून की बात आती है, उनमें 1 लीटर का टर्बो इंजन मिल जाता है। और बाकी आप क्रेटा सेल्टॉस में भी देखोगे तो अपर वेरिएंट्स में आपको टर्बो के इंजन मिल जाते हैं। अब अगर ग्रैंड विटारा का आप अपर वेरिएंट लेने जा रहे हो तो उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जैसा कि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो यार इतने सारे राइवल्स है, इतने सारे वेरिएंट्स है, कौन सी गाड़ी लेना चाहिए? तो यार वीडियो पर बने रहना, एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जहां ग्रैंड विटारा की बात आती है ना, इंडियन मार्केट में अभी तक इस गाड़ी ने इतनी यूनिट सेल कर दी है, साथ ही में इसके जो सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स लोग बोल रहे हैं वो है सिग्मा एज वेल एज डेल्टा। अब जो जेटा अल्फा वेरिएंट है ना, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें आती है, वो मैं लेना वर्थ नहीं समझता हूं, बिकॉज यार 3 सिलेंडर इंजन है, अब 20 से 21 लाख रुपए दे रहे हो ऑन रोड, साथ ही में आपको जो माइलेज देने वाला है वो ग्रैंड विटारा सीएनजी निकाल लेती है। लाइक आपको डेल्टा से सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको अराउंड 25-26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देगी, और जो अपनी ग्रैंड विटारा के अपर वेरिएंट से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वो भी आपको 27-28 का माइलेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि यार आप इतने पैसे दे रहे हो, 3 सिलेंडर इंजन ले रहे हो, साथ ही में बूट स्पेस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ मैं वर्थ नहीं समझता हूँ। जहाँ क्रेटा और सेल्टॉस की बात आती है ना गाइस, मैं आपको फॉर श्योर बताना चाहूँगा, आपने इन ऑप्शंस को दिमाग में रखा है और आप एक पेट्रोल इंजन लेने जा रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा क्रेटा सेल्टॉस सब गाड़ियों को दिमाग से हटा देना अगर आपको माइलेज चाहिए तो, बिकॉज क्रेटा एज वेल एज सेल्टॉस का सिटी में माइलेज सिर्फ 12-13 रहता है, हाईवेज पे 17-18-19 देते हैं। वहीं ग्रैंड विटारा की बात करें तो पर्सनली मैं भी इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे सिटी में आराम से 15-16-17 तक का माइलेज देती है, और हाईवेज पे आपको आराम से 20-21 का माइलेज ये गाड़ी निकाल कर देने वाली है। बाकी तो इंडिविजुअल ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो ओवरऑल आपका कौन सा पर्पस है, किस चीज़ के लिए आपको गाड़ी लेना है, उस पर डिपेंड करता है। अब जहाँ पर इस कार की बात आती है ना, मैं इस पर इतने सारे कॉन्टेंट बना चुका हूँ, माइलेज टेस्ट की बात हो गई, हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात हो गई, ओवरऑल चलाने में काफ़ी मज़ा आता है इस कार को, स्पेशली जो इसका रोड प्रेजेंस है ना, जैसा कि आप शॉर्ट में भी देख पा रहे होंगे, मतलब चलाने में नो डाउट काफ़ी मज़ा आता है। विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, साथ ही में ऐसे शार्प लेन चेंज कर रहे हो आप तो बिल्कुल भी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। बट दिक्कत कहाँ आती है पता है, ये गाड़ी जो है ना, मतलब मैंने अराउंड 14.5 लाख रुपए इस गाड़ी में डाले हैं, डेल्टा वेरिएंट मेरा है और एलॉयस वगैरह सब लगवा के लिया था। अगर आप टॉप वेरिएंट भी ले रहे हो ना, आपको वही स्टीयरिंग मिलता है, वही इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर थोड़ा सा बड़ा होके मिल जाता है, थोड़े लेदर इंसर्ट्स आ जाते हैं, तो लाइक आप फ्रॉन्क्स देखोगे, मारुति की दूसरी गाड़ियाँ देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलने वाली है, लाइक ये कीज भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी कॉस्ट कटिंग करती है। मैं ये बोलना चाहूँगा अगर आपको प्रीमियम इंटीरियर्स चाहिए ना, तो फॉर श्योर आपके लिए किया सेल्टॉस एज वेल एज
ह्यूंडई क्रेटा ऑप्शन रहने वाले हैं, बिकॉज इंटीरियर नो डाउट यार उसमें बहुत गजब के मिलते हैं। बाकी अगर इसकी बात करें ना, तो ब्रेकिंग इसमें फ्रंट एज वेल एज रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिसकी ब्रेकिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। एक बार मैं आपको ब्रेक्स चेक करके भी दिखा देता हूँ, पीछे कोई भी नहीं आ रहा है, सही आप देख सकते हो ब्रेकिंग इसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहने वाली है। साथ ही में हालांकि क्रेटा में भी अभी फ्रंट एज वेल एज रियर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत सारा हो चुका है गाइस, बट आई होप आज की वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में अगर इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं ना, मैं मेरी अभी कार की तीनों सर्विस करा चुका हूँ और तीनों ही सर्विस का जो मेरा फीडबैक रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, बिकॉज मारुति सुजुकी की जो सर्विस है ना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब आपके जेब पे भारी कभी नहीं पड़ने वाली। स्पेयर पार्ट्स की भी ऐसा जितनी कोई कॉस्ट नहीं है, तो ओवरऑल सर्विस से रिलेटेड आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बट यार जब आप ग्रैंड विटारा के अपर वेरियंट्स लेने जा रहे हो, आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सेल्टॉस ले सकते हो, क्रेटा ले सकते हो, पेट्रोल टर्बो भी ले सकते हो, साथ ही में आप डीजल की ओर जा सकते हो, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो चुका है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा यार, जो बंदा 18 से 20 लाख की कार लेने जा रहा है वो फ्यूल इकोनॉमी में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। आप सेगमेंट ही चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो स्कॉर्पियो एन XUV700 के मिड वेरिएंट्स के लिए जा सकते हो, या फिर हैरियर के भी अच्छे खासे वेरिएंट्स आपको 20 से 21 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो अपर वेरिएंट्स अगर आप लेना चाह रहे हो ना कौन सी भी गाड़ी के मिड साइज SUV में, तो टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट स्पेशली अगर आप ग्रैंड विटारा लेने का प्लान कर रहे हो या इसकी राइवल सेगमेंट की कार्स लेने का प्लान कर रहे हो, 15 लाख तक का बजट है ना, तो मैं मानता हूँ कि यार ये गाड़ी वर्थ है। हालांकि मैं भी कभी डेल्टा के ऊपर ग्रैंड विटारा में कंसिडर करता नहीं, हालांकि देखो इस प्राइस पॉइंट पे तो आपको फीचर्स वगैरह सारे मिल जाते हैं, बेस्ट इन सेगमेंट मिलते हैं। लाइक बेस मॉडल से आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, चारों वेरियंट डिस्क मिल जाते हैं, इसमें आपको ब्लू एंड मी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो फीचर्स तो भर भर के दिए। बट कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी जो लेगेसी रहती है ना, मतलब सारी कारों में वही इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो कुछ ऐसे फीचर्स है जो मुझे लगता है कि यार कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए। आप अगर ग्रैंड विटारा जैसी कार ले रहे हो, अपर वेरिएंट्स ले रहे हो, तो वो प्रीमियमनेस दिखना चाहिए, भले ही स्टीयरिंग व्हील हो जाए, इंटीरियर हो जाए, तो ये सारी बातें हो जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक की बात आती है, इस कार को चलाने की बात आती है, NVH लेवल्स की बात आती है, सारी ही एस्पेक्ट्स में इस गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। बट जहाँ क्वेश्चन आता है ना कि यार इतने सारे ऑप्शन हो चुके हैं, मुझे कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, अब देखो गाइस अगर आप डीजल इंजन लेना चाह रहे हो तो फॉर श्योर आप ग्रैंड विटारा को ऑप्शन ही हटा दो, बिकॉज क्रेटा और सेल्टॉस के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काफ़ी अच्छे डीजल इंजन है और काफ़ी फेमस है इंडियन मार्केट में। बट मैं ये चीज फॉर श्योर कह सकता हूं, वो गाड़ियां जितना डीजल में माइलेज देगी ना, उतना ये पेट्रोल में ही देने वाली है। बट जहां बाकी राइवल्स की बात आती है ना, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको ज्यादा फ्यूचरिस्टिक, ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर्स चाहिए, तो आप फॉर श्योर सेल्टॉस एज वेल एज अपनी क्रेटा के लिए जा सकते हो। 1 लीटर में परफॉर्मेंस इंजन चाहिए तो स्कोडा कुशेक एज वेल एज टाइगून आपके लिए ऑप्शन है। बट जहां आपको एक लो मेंटेनेंस कार चाहिए, ट्रस्टेड इंजन चाहिए, जो आपको ब्रीजा, अर्टिगा, सियाज में आता था वही आपको इसमें मिल रहा है, तो ओवरऑल इंजन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही में आपको CNG का ऑप्शन चाहिए था, बिकॉज ये वन एंड ओनली ऐसी गाड़ी है जो आपको इस सेगमेंट में CNG ऑफर करती है, डेल्टा और जेटा वेरियंट में, तो CNG चाहिए था, एक अप डाउन के पर्पज से कार चाहिए थी जो खड़ी होना, तो यार रोड प्रेजेंस सारे ही राइवल्स में नेक्स्ट लेवल आए। साथ ही में आपको इसमें कंफर्ट अच्छा मिले, माइलेज अच्छा मिले, लो मेंटेनेंस रहे और इन फ्यूचर रीसेलिंग अच्छी मिले, तो फॉर श्योर ही आपके लिए चॉइस रहने वाली है। हालांकि क्रेटा का भी फेसलिफ्ट भी मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने में इंडियन मार्केट में आ जाएगा, बट फिर भी अगर आप पेट्रोल इंजन लेना चाह रहे हो तो मैं बोलना चाहूंगा फॉर श्योर आप ग्रैंड विटारा के लिए जाओ। हाई राइडर की हमने ज्यादा बात करी नहीं, बिकॉज यार सेम ही गाड़ी है पूरी, सिर्फ टोयोटा की रीबेस्ड गाड़ी बोल सकते हो आप। ओवरऑल तो देखो मेरा एक्सपीरियंस इस कार के साथ काफी अच्छा रहा है। डीजल इंजन लेना चाह रहे हो तो क्रेटा या दूसरे राइवल्स की ओर जा सकते हो, और आपका बजट अच्छा है तो फिर आप टर्बो वेरिएंट्स के लिए भी जा सकते हो। बट मेरा सजेशन यही है कि यार उतने में आप सेगमेंट चेंज कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ग्रैंड विटारा लेने का प्लान कर रहे थे तो गाइस डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा से ज़्यादा जेटा के लिए जा सकते हो, उसके ऊपर इसमें पैसे डालने से वर्थ नहीं है, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन इंडियन मार्केट में खुल जाते हैं। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओवरऑल तो बेसिक मैंने आपको सारे फीचर्स बताने की कोशिश करी, मेरा एक्सपीरियंस इस कार के साथ शेयर करने की कोशिश करी। इस वीडियो के थ्रू गाइस चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।